प्यारे बच्चों, हम त्यौहार या तकरीब क्यों मनाते हैं? बच्चों, हम खानदान में कई त्यौहार मनाते हैं। खानदान के अलावा हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। ज़िराअत हमारे मुल्क का एक अहम पेशा है। हमारे अक्सर त्यौहार ज़िराअत और माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। होली मौसम बहार का इस्तकबाल का त्यौहार है। पंजाब में फसलों की कटाई के मौके पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र में बुआई के बाद बैलों का पोला मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल और केरला में ओणम के त्यौहार फसल की कटाई के मौके पर मनाए जाते हैं। दशहरा, दिवाली, गुड़ी पड़वा ये त्यौहार खेतों की फसल हाथ आने के बाद मनाए जाते हैं। बच्चों, ईद उल फित्र, ईद उल जुहा, क्रिसमस, बौद्ध पूर्णिमा वगैरह अहम त्यौहार है। त्यौहार कोई भी हो, सभी भारतीय इनमें खुशी खुशी हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया हमारे कौमी त्यौहार है। सब शहरी इन्हें मनाते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, इसीलिए इसे यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय आइन 26 जनवरी सन ईस्वी 1950 से नाफिस किया गया, इसलिए इसे यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, त्यौहारों के सबब लोग एक जगह जमा होते हैं, इनमें एहतियात का जज्बा बढ़ता है। बिरादराने वतन के बास त्यौहारों में नाच गाना, रंगोली, खेल और मुकाबले होते हैं, इन सब से हमें खुशी हासिल होती है। त्यौहार तकरीब को मनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इससे हमारे माहौल को नुकसान ना पहुँचे। तेज़ आवाज़ में गाने बजाने से बूढ़ों और बच्चों को तकलीफ़ होती है, तेज़ आवाज़ के सबब आवाज़ की आलूदगी होती है। प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में कई आदिवासी जमातें हैं। ज़िला थाना में वारली नामी आदिवासी जमात है। ये लोग ज्येष्ठ महीने में बारिश की इब्तिदा में कौली भाजी यानी नर्म सब्जी नामी एक खानदानी त्यौहार मनाते हैं। प्यारे बच्चों, कौली जंगली नबातात की एक किस्म है जिसे सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बारिश शुरू होने के बाद ये नबातात उगती है। खानदानों के लोग आसपास के इलाकों से ताज़ा नर्म कौली जमा करके लाते हैं, सब्जी पकाकर खानदान के सब लोग मिलकर खाते हैं। प्यारे बच्चों, मकर संक्रांति सर्दियों में मनाया जाता है। इस दिन दोस्त और रिश्तेदार एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि तिल सर्दियों में पैदा होने वाली एक अहम फसल है? सर्दी के मौसम में जिस्म की गर्मी कायम रखने के लिए तिल खाना मुफीद है।